उत्तर पूर्व के छोटे से पहाड़ी और कृषि प्रधान राज्य मिजोरम में बरसात के 5 महीनों में तकरीबन 2500 मिलीमीटर तक बारिश होती है। इसके बावजूद जल प्रबंधन की चुनौतियों की वजह से मिजोरम के तकरीबन 16 लाख लोगों को साल के बाकी 6-7 महीनों में पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ती थी। इससे उबरने के लिए मिजोरम सरकार ने बीते एक दशक में सैकड़ों छोटे छोटे बांध, चेक डैम और जलाशय बनवाए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया। आज मिजोरम के तकरीबन हर एक घर के पास बारिश के पानी को जमा करके इस्तेमाल करने की अपनी व्यवस्था है। जल संसाधनों की देखरेख के लिए मिजोरम में कई वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनाए गए हैं। लोगों को उस झूम खेती को बंद करने के लिए प्रेरित किया गया जिसमें खरपतवार को आग लगाकर जमीन में उर्वरता बढ़ाने का तरीका अपनाया जाता है। मिजोरम में सिंचित जमीन का इलाका बढ़ा और किसानों की पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई। मिजोरम की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए उसे जल संरक्षण के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट इन स्पेशल कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।